वहीं जिला जांजगीर चांपा के चांपा नगर में पालिका अध्यक्ष जय थवाइत को अध्यक्ष बने आज ठीक एक वर्ष हो गया है। उसी को लेकर पालिका अध्यक्ष ने चांपा हनुमान धारा में स्थित हनुमान जी की मूर्ति के पास वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि वही वन भोज के लिए आए नगर के वरिष्ठ नागरिक एवं पार्षद गणों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और नगर में विकास को लेकर भी अध्यक्ष जय थवाइत का धन्यवाद किया। वहीं आगे भी आगामी वर्षों में नगर विकास को लेकर उम्मीद जताई है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन जी के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों की काफी सराहना की गई और उनका धन्यवाद किया गया। यहां हम आपको बता दें कि नगर के जाने माने नाम चर्चित डीबी वेंचर के चेयरमैन धीरेन वाजपेयी भी वनभोज कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी पालिका अध्यक्ष के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और आगे भी नगर विकास को लेकर उम्मीद की अपेक्षा की है। देना चाहूंगा हमारे माननीय नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षद गणों को और चांपा वासियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक वर्ष हमारा नगर पालिका परिषद जो अभी पूर्ण किया है और वो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इतने अच्छे से हमारा नगर पालिका परिषद एक वर्ष पूरा पूर्ण किया कि जिस पे बहुत बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हिल गए, वैसे समय पे हमारे नगर पालिका परिषद के पार्षद उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षगण जो वैश्विक बीमारी पेंडेमिक एक आया हमारा कोरोना COVID-19 का, उस समय धैर्य से हिम्मत से हम सब नगरवासियों की प्रेरणा बनते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय जय थवाइत, उपाध्यक्ष महोदय हरदेव एवं समस्त पार्षदगण अपने अपने वार्ड पे जो जिस हिम्मत से डटे रहे और जिस सहयोग की भावना से वो डटे रहे अपने वार्ड में, अपने पार्षद में, अपने क्षेत्र में, वो तारीफ़ काबिल है। और हम सब काफ़ी सुरक्षित महसूस किए उस दौरान कि ऐसे अध्यक्ष ऐसे पार्षद हमको मिले हुए हैं। और मैं पुनः एक बार आपके चैनल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आने वाले वर्षों के लिए कि ऐसे ही कार्य ये लोग हिम्मत से हमारे लिए सब नगरवासियों के लिए करते रहें। धन्यवाद कर दिया। एक वर्ष का कार्यकाल भी कोरोना लेकर आया और उसके बावजूद भी जो यहाँ की जनता ने जो यहाँ हमारे पार्षद चुने थे, जो अध्यक्ष चुने, जो उपाध्यक्ष चुने, इनकी पूरी मेहनत का फल है कि ऐसे संकट के समय में भी विकास कार्य हुए हैं। आप जहां बैठे हैं, जो कार्यक्रम चल रहा है, यहां तक आने के लिए 1 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण हुआ है, गौरव पथ करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण हुआ है और 6 करोड़ रुपए की लागत से डिवाइडर 7.5 करोड़ PWD से गेमन पुल से PWD ऑफिस तक 6-7 करोड़ की लागत से डिवाइडर और रोशनी का जो व्यवस्था की गई है, यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है मैं तो कहूँगा इस संकट के काल में भी। और छोटे छोटे कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत होने वाले हैं, अनेक ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका की ओर से शासन को गए हैं। हम सब यह प्रयास करेंगे कि जो विकास के कार्य प्रस्तावित हैं उनकी स्वीकृति मिल जाए ताकि यहाँ और भी विकास द्रुत गति से हो सके। और सबसे बड़ी इस अल्पकाल की उपलब्धि मैं कहूँगा, मैंने भी विधानसभा के माध्यम से इस नगर की समस्या को उठाने का और निहारल करने का प्रयास किया था। इसी कड़ी में अध्यक्ष बनते ही हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाइत जी ने जो शहर का गंदा पानी हसदू नदी में प्रभावित होता है और जिसके लिए योजना बनाकर भेजी गई थी पूर्व में, उसके लिए पहल प्रारंभ किए और हम सब जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास रंग लाया और 12.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मुझे विश्वास है कि यह इसके क्रियान्वयन से जो हमें नदी जो प्रदूषित हो रही है, गंदा पानी वहाँ से निस्तार करना पड़ रहा है, उससे हमें निजात मिलेगी और इससे जनजीवन काफी राहत महसूस करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.